दिल्ली का दिल कहे जाने वाला सीपी यानी कनॉट प्लेस घूमने फिरने की एक शानदार जगह है। हर उम्र के लोग यहाँ पर आकर घूमना पसंद करते हैं। सीपी का पालिका बाजार, सेंट्रल पार्क, जंतर मंतर, हनुमान मंदिर पहले ही लोगों के आकर्षण का केंद्र है। लेकिन साल 2014 में सेंट्रल पार्क में करीब 207 फीट का भारत का सबसे ऊंचा झंडा लगाकर यह स्थान और भी खास हो गया। लेकिन अब इन सब से हटकर सीपी में एक और घूमने के लिए शानदार म्यूजियम का उद्घाटन हो चुका है। बीते रविवार सीपी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री कालराज मिश्र ने इस हेरिटेज चरखा म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल रहे। इस म्यूजियम में 11 फीट से अधिक लंबा चरखा बनाया गया है। साथ ही म्यूजियम में चरखों के अलग अलग प्रकार भी रखे गए हैं। इनमें पंखुड़ी चरखा, बारदोली चरखा, दो तकुआ बारदोली चरखा, लोहे का परंपरागत चरखा, किसान चरखा जैसे बहुत से चरखों के प्रकार रखे गए हैं। म्यूजियम के बाहर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सफेद प्रतिमा और उनके तीन बंदरों की भी प्रतिमा रखी गई है। इस स्थान पर लोगों की भीड़ का सिलसिला लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। लोग वहां पर चरखों, तीन बंदरों और गांधी की प्रतिमा के साथ जमकर सेल्फी और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। अगर अभी तक आपने यह म्यूजियम नहीं देखा है तो देर न करें। जीवन उत्सव मीडिया, धन्यवाद।